ओजी के स्प्लिट एसी में F2 का एरर क्यों आता है गाइज? आप देख सकते हैं हमारे पास F2 का एरर यहाँ पर शो कर रहा है और ये हमारा ओजी का स्प्लिट एसी है। मैं आपको एक बड़ी ढक्कन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ओजी लिखा हुआ है, ये हमारा ओजी का स्प्लिट एसी है, ओजी हैवी ड्यूटी, ठीक है गाइज? तो ये हमारा ओजी का स्प्लिट एसी है और इसके अंदर F2 का एरर क्यों आ रहा है गाइज? जैसे ही हमने इसको ऑन किया वैसे ही F2 का एरर आने लग गया। तो इस ओजी के स्प्लिट एसी में गाइज हमारा F2 का एरर आने का कारण गाइज इसके अंदर कोइल टेम्परेचर सेंसर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कोइल टेम्परेचर सेंसर है जो कि ख़राब हो चुका है, उसकी वजह से है ये हमारे पास यहाँ पर ओजी का F2 का एरर आ रहा है गाइज। अगर हम इस सेंसर को बदल देंगे तो यहाँ पर हमारा F2 का एरर हट जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं मार्केट से एक नया दूसरा कोइल टेम्परेचर सेंसर लेकर आते हैं और फिर हम इसको चेक करते हैं हमारा ये एरर हट रहा है या नहीं हट रहा है। तो ये हमारा कोइल टेम्परेचर सेंसर है। आमतौर पे हमारी एसीओ में दो टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं, नॉर्मल वाले में एक रूम टेम्परेचर एक कोइल टेम्परेचर। तो ये हमारा कोइल टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर ख़राब है। तो चलिए इसको लेकर आते हैं। तो गाइज अब देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने एक नया कोइल टेम्परेचर सेंसर ले लिया है, किसी दूसरी एसी से निकाला है और अब हम इसे लगा के देखते हैं क्या हमारा ये जो F2 का एरर आ रहा था गाइज ये हट रहा है या नहीं हट रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे लगा दिया है और चलिए अब इसे ऑन कर लेते हैं। अब हम यहाँ इस बटन से ऑन करते हैं इसे। तो गाइज अब देख सकते हैं हमारा एसी ऑन हो गया है। यहाँ पे अभी टेम्परेचर हमारा शो कर रहा है 24 जो कि अभी F2 लिखा आ रहा था और हमारा ब्लोअर मोटर है गाइज वो भी चल गया है। तो ओजी के स्प्लिट एसी में अगर F2 का एरर आ रहा है गाइज तो वो हमारे कोइल टेम्परेचर सेंसर की वजह से आता है। या तो ऐसा भी हो सकता है आपका कोइल टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो गया हो या फिर उसके तारों को चूहे ने काट दिया हो। तो यहाँ पे F4 का एरर आ रहा है, चलता है 1 मिनट चलता है उसके बाद हमारे यहाँ पर F4 का एरर आ रहा है। तो ऐसी समस्या क्यों होती है गाइज? तो ऐसी समस्या हमारा F4 का एरर गाइज इसमें फैन मोटर जो हमारा ब्लोअर मोटर है देख सकते हो आप यहाँ पर हमारा ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है। तो F4 का एरर हमारा यहाँ पे ब्लोअर मोटर की वजह से आ रहा है। अब ब्लोअर मोटर की वजह से क्यों आ रहा है? यहाँ पर ऐसा हो सकता है या तो हमारा यह ब्लोअर मोटर खराब हो चुका है उसकी वजह से भी F4 का एरर आ सकता है, या ब्लोअर मोटर के कुछ तार होते उन तारों को चूहों ने काट दिया हो तो उसकी वजह से भी यहाँ पर हमारे पास F4 का एरर आ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप हमने यहाँ पर ये जो हमारे ब्लोअर के तार है ये दो तार होते हैं हमेशा किसी भी एसी में आप अगर देखोगे तो उसके ब्लोअर मोटर के दो तार होंगे। तो यहाँ पे यह दोनों तार है हमारे ब्लोअर मोटर के, यहाँ पे हमने इन दोनों तारों को निकाल रखा है इसी वजह से यहाँ पर F4 का एरर आ रहा है। तो चलिए अब हम इन दोनों तारों को लगा देते हैं और लगाने के बाद चेक करते हैं ये हमारा एरर हटता है या नहीं। सो गाइज अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने उन दोनों तारों को लगा दिया जो हमने निकाला था। पहला तार ये था गाइज हमारा जिसे हमने निकाला था ब्लोअर मोटर का और दूसरा तार हमारा ये वाला है गाइज, ठीक है? तो हमने इन दोनों तारों को यहाँ से इस कनेक्टर में लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एसी को ऑन करते हैं। यहाँ हमने कनेक्शन लगा दिया है और अब ये हमारे पास एक स्विच है यहाँ पर, हमने इस स्विच से एसी को ऑन करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्विच दबाया वैसे ही 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं लिया इसने और ये हमारा ब्लोअर मोटर जो है कि गाइज पहले नहीं चल रहा था ये अब चलने लग गया है। तो अब देखते गाइज हमारे ओजी के स्प्लिट एसी में अगर F4 का एरर आ रहा है गाइस तो हो सकता है उसके अंदर आपके ब्लोअर मोटर के कुछ तार काट दिए गए हो या फिर उसके ब्लोअर मोटर जो हमारा है वो ख़राबी हो चुका है गाइस। तो इस तरीके से आप अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं F1 का एरर हमें शो कर रहा है। F1 का एरर क्यों आता है गाइस? तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे स्प्लिट एसी में दो टेम्परेचर सेंसर होते हैं, एक कोइल टेम्परेचर सेंसर एक रूम टेम्परेचर सेंसर। तो इसके अंदर गाइस हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो चुका है। जो रूम टेम्परेचर जो हमारा रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है उसके बाद हमारा आउटडोर यूनिट बंद होता है। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर रूम टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पर F1 का एरर आ रहा है और यहाँ पर हमारा ब्लोअर मोटर भी नहीं चल रहा है, मतलब हमारी एसी नहीं चल रही है और F1 लिखा हुआ आ रहा है। तो इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं गाइस? यहाँ पर तो हमारा ये टेम्परेचर सेंसर ख़राब है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर इसके तारों को चूहे ने काट दिया तब भी आपको F1 का एरर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दूसरा सेंसर लेकर आते हैं और उस सेंसर को लगा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं सेंसर को और दूसरा सेंसर लेकर आते हैं। सो गाइज अब मैं मार्केट से दूसरा रूम टेम्परेचर सेंसर ला चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, उस टेम्परेचर सेंसर के कनेक्टर को इसमें लगा देना है हमारे पीसी बोर्ड में जहाँ से हमने इसको निकाला है।
ठीक है, हमने इसे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इस एसी को ऑन करना है। हमने यहाँ प्लग लगा दिया, अब हमें यहाँ पर इस बटन से इसे ऑन कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो हमने जैसी एसी को ऑन किया वैसे हमारा ब्लोअर मोटर भी चल गया और रूम टेम्परेचर सेंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा रूम का टेम्परेचर भी देख सकते हो 24 जो हमने एसी के लिए सेट किया, यहाँ पे हमारा 24 हमें डिस्प्ले पे शो कर रहा है और यहाँ पर हमारा ब्लोअर मोटर भी चल गया। तो इस तरीके से F1 के एरर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। गाइस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों